बिहार में इस लोकसभा चुनाव फिल्मी सितारों का ग्लैमर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि अब तक किसी भी दल ने तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है और न ही ऐसा कोई चेहरा दलों के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। एकमात्र दल भाजपा ने भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रहे दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को अपने स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी थी। कांग्रेस, राजद, जदयू सहित किसी अन्य दल के स्टार प्रचारक सूची के किसी भी एक भी फिल्म सितारे का नाम नहीं। कई फिल्म सितारे बिहार से लड़ रहे चुनाव, अब तक चुनाव में कई फिल्म सितारे बिहार की लोकसभा सीटों पर किस्मत आजमा चुके हैं। सितारों के लिए राजधानी पटना की सीट सबसे फेवरेट रही है। पटना साहिब से बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते और जीतते रहे हैं। हालांकि एक बार कांग्रेस के टिकट पर उनको हार भी मिली। कांग्रेस से ही बिहार के बॉलीवुड सितारे शेखर सुमन और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक कहे जाने वाले कुणाल सिंह भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इसके अलावा राजनीति, अपहरण, गंगाजल जैसे सुपरहिट फिल्मों के निर्माता निर्देशक प्रकाश झा 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े पर उनको हार मिली। उन्होंने पहली बार 2004 में बेतिया से निर्दलीय, जबकि 2009 में लोजपा और 2014 में जदयू के टिकट पर पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ा था। हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा।